नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनकम, वेलकम टू माय चैनल शादाब शकुरी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मजे में होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि बाएं में गमक कैसे पैदा करें, गमक को कैसे लाया जाए, उसकी क्या खास विशेषताएं हैं और उसको किस तरीके से बजाया जाता है बाएं पे, तो उस बारे में आज हम सीखेंगे। तो फिर देरी किस बात की है, आइए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बोल जो है, ये खास बाएं के गमक को प्रैक्टिस करने के लिए है, तो इसको जरा ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसके जो बोल है वो बोल है धींग धींग धाती धा धींग धाती, धींग धींग धाती धा धींग धाती, धींग धींग धाती धा धींग धिधाती। ये बोल है इसके। अब इसका जो निकास है वो देखिए आप कैसा है। अब जब आप देखेंगे धींग धींग धाती, तो बाएं में से धींग, ये जो गमक है, ये जो थोड़ी सी जो स्विंग होकर जा रही है, धींग धींग, देखिए इसका निकास कैसा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, डिंग जब पहला आप घे हिट करते हैं, उसको पहले घे को हिट करते ही तुरंत आप थोड़ा सा हाथ स्याही पे लेकर जाइए और नेक्स्ट घे बजाइए। जो पहले जो घे बजा रहे हैं, इसकी आस खत्म होने से पहले आपको दूसरी घे बजानी है। बट वो ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप बोल कैसा बजा रहे हैं, कौन से बोल हैं। अगर दो बाएं के घे 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 अगर दो बार है तो उसको कैसे करेंगे, घे घे। अब इसका निकालने का जो तरीका है वो सीक्रेट ये है कि आप जो भी ओपन बायां बजाएंगे, उसकी जो आस है, बाएं की आस यानी इसका जो रेजोनेंस है साउंड का, ये खत्म होने से पहले आपको दूसरा बोल बजाना है और उसमें आपको गमक पैदा करनी है। अब गमक कैसे पैदा करेंगे आप, ये जो कलाई है आपकी ये स्याही पे टच होगी। पहला बाएं का जो बोल बजेगा उसकी आवाज खत्म होने से पहले आपकी जो कलाई है वो स्याही पे टच होगी और फट से फिर दूसरा घे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, आप देख रहे हैं पहला बायां बजाते ही मैं फट से अपनी कलाई आगे लेके जाता हूं। और धीरे बजाता हूं मैं, आपको कलाई से स्याही को प्रेस नहीं करना है, आपको हल्का सा टच करके दूसरा बायां बजाना है। प्रेस कर देंगे तो उसकी जो आस है वो मर जाएगी, तो गमक जो है वो टूट जाएगी आपकी। तो गमक को मेंटेन करने के लिए आपको हल्का सा कलाई जो है स्याही को आगे ले जाके सेकंड बायां का बोल बजाना है। अब आप इसको धीरे धीरे जब बजाएंगे तो इसके लिए खास बोल है जो मैंने आपको लिखवाया ऑलरेडी, ये आप बजाएं 50 बार, 100 बार, 200 बार। पहली बार बजेगा आपको ऐसा लगेगा कि मैं बजा रहा हूं लेकिन बज नहीं रहा है, वो डेफिनेटली नहीं बजेगा। लेकिन जिस प्रोसेस से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप धीरे धीरे इसको बजाने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली बजेगा ये। धींग धींग, अभी धींग कैसे बजेगा, चाटी वाला जो मैदान है, दिन दिन, अभी धींग
धींग, आप देख रहे हैं धींग 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 धींग। धाती, बस यही बोल आपको इतना सा ही बजाना है, धींग धींग धाती धींग धींग धाती धींग धींग धाती, और कोई एक्स्ट्रा बोल नहीं बजाना आपको। यही बोल आप कम से कम 50 बार 100 बार 200 बार बजाएं, और रोज धीरे धीरे बजाने का इसका जो स्टेमिना है वो बढ़ाइए आप। जैसे आज आपने 50 बार किया तो कल 100 बार कीजिए, परसों 200 बार कीजिए, फिर उसके बाद 300 बार कीजिए, ऐसे धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाएं। और आप कैसे बजाएंगे इसको, सिर्फ बाएं से घेग घेग धा घेग घेग घे घेग घेग घे घेग घेग घेग। अभी मैं चाटी ऐड करूंगा, धींग धींग धाती बस यही बजाना है आपको। अब आप रियाज कैसे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप 50 बार 100 बार 200 बार करें। फिर ये धीरे धीरे एक महीने में अगर आपने कंटिन्यूटी अगर इसको रखा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी बाएं की जो गमक की जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सुधर जाएगी और उसमें प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यही बोल धींग धींग धाती मैं 3 ताल में ऐड करता हूं, इसको अप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, देखा आपने कितना खूबसूरत लग रहा है ये गमक अगर मैंने यहां अप्लाई किया तो। तो ये अद्धा 3 ताल था, धींग धींग धाती धा धींग धाती धा तिंग तिंग ताती ता कर दा धिन धिन आती। सो धींग धींग अब जब आप रियाज करेंगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि आपका धींग तैयार होने के बाद आप 3 ताल में कैसे इसको डाल सकते हैं, वैसे ही इस किस्म के बोल कोई भी होंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपका ये अभ्यास या रियाजत इस तरीके से हुई होती है। तो मैं एक बार फिर बताऊंगा दोस्तों, जब आप रियाज करें तो सिर्फ धींग धींग धाती धींग धींग धाती धींग धींग धाती यही बजाते रहिए। देख रहे हैं जो मैंने आपको कहा, पहला बायां बजाते ही फट से मेरी जो कलाई है स्याही पे जा रही है। बस इसका रियाज कीजिए आप, डेफिनेटली आपकी जो गमक है वो सुधर जाएगी। और इस गमक को बजाने में या समझने में किसी भी किस्म से अगर आपको दिक्कत हो रही है या बजाने में दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेफिनेटली हमारे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन तबला क्लासेस कोर्सेज अवेलेबल है।
आपको सारे डिटेल्स क्लासेस के व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होगी या जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। मैंने कोशिश की है कि गमक को किस तरीके से खूबसूरती से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियोस में काफी मेरे चाहने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट रही है कि सर आप प्लीज जरा गमक पर एक वीडियो अगर आप बनाएं, गमक कैसी बजेगी तो बड़ी कृपा होगी और हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ये रहा गमक का वीडियो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एज यूजुअल आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आप मिस नहीं करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इजाजत लूंगा और ये दुआ करता हूं मालिक से कि अल्लाह ईश्वर आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।